नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आरके एडुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो टीईटी में बहुत ही मुख्य है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत की कुछ प्रमुख इमारतें। ऐसे इसी प्रकार तीन चार टॉपिक आएंगे और भारत के इतिहास से लेकर पूरे आपको कवर करवाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला हमारा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश रायसेन जिला में। 1818 से 1982 में बनवाया गया था, इसे राजा अशोक ने बनवाया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा सांची का स्तूप इसी तरह दिखाई देता है। रायसेन जिला में स्थित है। आगे देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में स्थित है। यहाँ रेल मंत्री कलमाड़ी सुरेश कलमाड़ी द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण 20 जून 1887 में हुआ। यहाँ इसी प्रकार यह एक स्टेशन है। आगे देखते हैं इमामबाड़ा। बाड़ा इमाम कहाँ पर स्थित है? 1783 में लखनऊ के नवाब आसफ उद दौला ने बनवाया था इसे। यहाँ नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में इमामबाड़ा, बाड़ा इमाम, छोटा बाड़ा इमाम, ये सब लखनऊ में ही स्थित है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा 1651 ईस्वी से 1661 ईस्वी में औरंगाबाद में महाराष्ट्र में बनवाया गया था। यह निर्माण बहुत ही अधिक समय लगा था इसको बनवाने में। अपनी बीबी की याद में बनवाया गया था यह मकबरा। बहुत ही प्राचीन मकबरा है यहाँ पर। आगे देखिए दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएँ। एलिफेंटा की गुफाएँ यहाँ मुंबई में स्थित है। मुंबई में यहाँ स्थित है। महाराष्ट्र से 8 किलोमीटर दूर मुंबई में स्थित है। कुछ दूर पर स्थित है। यहाँ शिव मंदिर को समर्पित है। यहाँ बहुत ही प्राचीन गुफा है। यह सबसे बड़ी गुफा है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, विजय का प्रतीक स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ शासक महाराणा कुंभ ने 1448 ईस्वी में करवाया था। यह बहुत ही बड़ा स्तंभ है जो बहुत ही प्राचीन है। इसे बहुत ही प्राचीन में मान्यता दिया गया है। यह 1448 ईस्वी में निर्माण किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, विक्टोरियल मेमोरियल कलकत्ता में स्थित है। यहाँ रानी विक्टोरिया को समर्पित है। यह 1905 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। यहाँ अंग्रेज शासक था और भारत में आकर यहाँ कोलकाता में यह निर्माण करवाया गया था। और यह बहुत प्राचीन है, रानी विक्टोरिया के नाम से प्रसिद्ध है। हिस्ट्री ऑफ नालंदा, मतलब आप तो सभी जानते होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। इसे कौन बनवाया गया था? दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। हिस्ट्री में यह प्रसिद्ध है कि नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनवाया था, तो कुमार गुप्त प्रथम। और यह कहाँ पर स्थित है? बिहार में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हुमाऊँ का मकबरा। हुमाऊँ का मकबरा जो है, हुमाऊँ की मृत्यु के 9 वर्ष बाद उनकी माता जो हैं, उनकी विधवा हमीदा बानो ने 1565 ईस्वी में करवाया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हुमाऊँ का मकबरा बहुत ही प्राचीन है। अमर प्रेम की निशानी ताजमहल आगरा अकबर ने बनवाया था। आगरा में स्थित है दोस्तों। यहाँ अकबर ने बनवाया था। यहाँ यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसे अकबर ने अपनी महबूबा या मुमताज के याद में बनवाया था दोस्तों। यह प्राचीन इमारत है हमारी। यहाँ उत्तर प्रदेश जिला आगरा में स्थित है। आगे देख, बस खाली इतना है आज के लिए दोस्तों। फिर मिलेंगे, तब तक के बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।